साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आई साथियों, लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत कक्षा सातवीं की हम ब्रिज कोर्स की पुस्तक के महत्वपूर्ण पाठों को हल करेंगे। विज्ञान विषय के हम पाठों को हल कर रहे हैं। तो सत्र 2022-23 की ये पुस्तक है कक्षा सातवीं की। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अध्याय 9, सजीव विशेषताएँ एवं आवास। तो एक बार आप इसके लर्निंग आउटकम के आधारित पाठों को पढ़ लें, हम इसके प्रश्नोत्तरों पर कार्य करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 वस्तुओं की सूची बनाओ। तो हम बना सकते हैं मेज, कुर्सी, कार, बस, साइकिल, बैलगाड़ी, पौधे और गाय। दूसरा प्रश्न है, उपरोक्त सूची में सजीव एवं निर्जीव, सजीव जो जिनमें जान होती है, निर्जीव जिनमें जान नहीं होती। तो सजीव गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बैल और मोर। निर्जीव वस्तु में मेज, कुर्सी, टीवी, दरवाज़ा, टेबल और पेन और किताब हो जाएंगी। अब हम देख रहे हैं तीसरे नंबर का प्रश्न है, मरुस्थल में रहने वाले ऊँट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो उत्तर हो जाएगा, ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। फिर ऊँट को पसीना भी नहीं आता क्योंकि वह जल का ह्रास बहुत कम होता है। और तीसरा है, बिना भोजन के कई दिनों तक वह जीवित भी रह सकता है। चौथा प्रश्न है, मछली की कौन कौन से विशेषताएँ उसे जल में रहने के लिए अनुकूलित बनाती हैं। तो मछली का शरीर धारा रेखी होता है जिससे वह पानी में आसानी से विचरण कर सकती है। मछली के गिल्स होते हैं जो जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। पाँचवें नंबर का प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं। आवास के दो प्रमुख प्रकारों का नाम लिखिए, उनके उदाहरण दीजिए। तो किसी सजीव या सजीव का स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। आवास दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय आवास जैसे स्थल, बिल और गुफा। जलीय आवास में हम जलाशय और झील को ले सकते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की 3 विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा विकसित करती है। दूसरा है, मरुस्थली पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की 2 तथा पादपों की 2 विशेषता बताइए। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की मोटी त्वचा या फिर ठंड से उनका बचाव करती है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खूर ढाललार चट्टानों पर दौड़ने के अनुकूल होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के पेड़ शंक्वाकार होते हैं तथा उनकी पत्तियाँ सुई के आकार की होती हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस परिस्थिति में रहने हेतु गुण कौन से गुण परिलक्षित होते हैं लिखिए। तो घास स्थल में रहने वाले जीव शेर, मटमैले भूरे रंग का होता है। शेर के अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं जिन्हें वह पदा उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा लेते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, 2 समुद्री जीवों का नाम लिखकर यह बताइए कि उनमें गिल ना होने पर वे श्वसन किस अंग द्वारा करते हैं। तो डॉल्फिन एवं व्हेल मछली में गिल नहीं होते, ये सिर पर स्थित नासादार अथवा वाल चित्र द्वारा सांस लेते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न है, जलीय पौधों की 3 विशेषता लिखिए। तो जलीय पौधों में जड़ का आकार बहुत छोटा होता है जो पौधों को तलहटी में जमाए रखने में सहायता प्रदान करती है। अब वर्कशीट देख रहे हैं तीसरे नंबर की। पहले नंबर का प्रश्न है, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती। तो सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, सजीवों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती तथा कौन सी गैस बाहर जाती है। तो सजीव में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, पौधे तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर जाएगा, कुछ पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, छुईमुई का पौधा की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती है। तो ये इनके उदाहरण हो सकते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, क्या पौधों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है, पौधे किस प्रकार पदार्थ का निष्कासन करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, जी हाँ, पौधे में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है, पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्त्राव के रूप में होता है जैसे गोंद। हम देखते हैं कि गोंद जो है वो पेड़ों से बाहर निकलती, तो इस तरह हम इसे मान सकते हैं कि पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। पांचवें नंबर का प्रश्न है,
प्रजनन की दो विधियों के बारे में लिखी तथा पौधों में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। तो कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनमें शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधों में प्रजनन बीजों के द्वारा होता है जैसे गेहूं, चना, मक्का इत्यादि। कुछ पौधों में कायिक प्रजनन होता है जैसे आलू, अरबी, अदरक। अब हम प्रोजेक्ट कार के अंतर्गत देख रहे हैं। पहले नंबर का प्रश्न है, सजीव में पाए जाने वाले लक्षणों की सूची बनाइए। पहला है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी जीवों में वृद्धि होती है, सभी जीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, सभी सजीव प्रजनन करते हैं, सजीव में गति होती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। हम देख रहे हैं, श्वसन पौधे में पत्तियों द्वारा और जंतुओं में नाक से होता है। उद्दीपन के प्रतिक्रिया अनुक्रिया कुछ पौधों रात्रि में खिलते हैं, और अगर जंतु की बात करें तो नुकीली वस्तु पर पैर पड़ जाने पर वे तुरंत उसे हटा लेते हैं। तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का एक संकेत है। गति, पौधे एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं, पौधे गति नहीं करते जबकि जीव जंतु गति करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर अपने आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की सूची निम्न तालिका में एकत्रित कर लिखिए। तो जैसे जंतु का नाम हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने इनके आवास लिख दिए कि कौन से हैं, ये किसके कैटेगरी के हैं, शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं, और ये कैसे गति करते हैं। तो इस तरह आप भी चार्ट बना लीजिए साथियों। 15 नाम हमने इसमें लिख दिया है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं, अपने आसपास के क्षेत्र, खेत, उद्यान आदि का भ्रमण कर किन्हीं 20 पेड़ पौधों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो पेड़ का नाम यहाँ लिख दीजिए, किस आकार का है, बड़ा है, मध्यम या छोटा। फिर पौधे की प्रकृति कांटेदार है या सामान्य लिख दीजिए, और पौधे के उपयोग सजावट के लिए, औषधि के लिए करते हैं, एवं पौधे के उपयोगी भाग को यहाँ पे बता दीजिए। तो इस तरह आप यहाँ पे इनके नाम लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ऊँट किस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है, तो मरुस्थल। घास स्थल का मुख्य शिकारी पशु कौन सा है, तो शेर हो जाएगा। निम्न में से अंडे देने वाला जीव मुर्गी। निम्न में से कौन सा पौधा मरुस्थल में पाया जाता है, नागफनी। जैव घटक का उदाहरण है पौधे। सही गलत, सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। सही, निर्जीव वस्तु वृद्धि करती है। गलत, प्रजनन में सभी वस्तु समान संतान उत्पन्न करते हैं। सही, हिरण घास स्थल में पाया जाने वाला जीव है, तो सही। सभी जीव पौधे एवं जंतु अजैव घटक के उदाहरण हैं, गलत। फिर सही जोड़ी बनाना है, जीव जो जहाँ रहते हैं उनके स्थान के आधार पर आप इस तरह सही जोड़ी उनकी बना दीजिए। खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जमीन या स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। मछली का शरीर धारारेखी आकृति का होता है। सभी जंतु वृद्धि करके शिशु से वयस्क हो जाते हैं। सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इस तरह हमारे यहाँ पे 122 नंबर की पुस्तक समस्त प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। आशा है वीडियो को आपने बड़े ही ध्यान से देखा होगा, समस्त प्रश्नों के उत्तर आपने जान गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एवं लाइक जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में आपके सुझाव अवश्य बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।